इलेक्शन 2018 यकीनन दिलचस्प होंगे, कांटे के मुकाबले होंगे, लेकिन सबसे जबरदस्त सूरत हाल और एक नई कैफियत पैदा होगी सिंध के शहरी इलाकों में, खासतौर पर कराची, हैदराबाद वगैरह में, जहां पर इस दफा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन यानी कि अल्ताफ हुसैन वाली MQM इलेक्शन में नहीं मौजूद होगी और उस MQM का कोई वजूद भी अब बाकी नहीं रह गया है। उसके टुकड़े कुछ मौजूद हैं मगर उनकी वो सियासी कुव्वत नजर नहीं आती जो MQM की हुआ करती थी। गोया कि एक नई सिचुएशन है और देखना यह है कि कौन सी सियासी जमात है इसका फायदा उठा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सन 2013 के इलेक्शन में तकरीबन 8 लाख वोट लेके कराची के वोट बैंक की हामिल दूसरी बड़ी सियासी जमात का हैसियत हासिल की थी। 25 जुलाई को भी PTI कराची में सरप्राइज दे सकती है इसके लिए, मगर बहुत कुछ इफ्स हैं जो कि करने होंगे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से यह है कि उसके हर लीडर ने तकरीबन अपना एक अलहदा ग्रुप बनाया हुआ है। उसके अंदरूनी धड़ेबंदियों की कहानियां आम मीडिया के सामने आ रही हैं और अब जबकि टिकट्स बंट रहे हैं ये धड़ेबंदियां जो हैं आम होकर सामने आ गई हैं, जिसमें इस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वह शदीद तनाजे का शिकार हो चुका है। इस बोर्ड के अराकीन के बारे में जो बताया गया है उनमें डॉक्टर आरिफ अलवी, अली जैदी, खुर्रम शेरजमान, फिरदौस शमीम नकवी वगैरह हैं। अब उन पर अलग अलग ग्रुप वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने मनपसंद हलकों के लिए अपने मनपसंद लोगों को इंतखाबी टिकट बांट दिए हैं। परसों कराची में PTI के मुश्तिल कारकुनों ने उस वक्त इंसाफ हाउस में यानी कि PTI के दफ्तर में तोड़फोड़ की जब सूबाई पार्लियामेंट्री बोर्ड का इजलास चल रहा था। कारकुनों ने अपनी ही पार्टी के दफ्तर में PTI सिंध के सदर डॉक्टर आलिफ अलवी और कराची के सदर फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और ये दफ्तर गूंजने लगा गो अलवी गो और गो शमीम गो, और इसकी वॉल चौकिंग जो है वो इस दफ्तर में जा बजा नजर आ रही है। यही कैफियत थी। अफसोस की बात यह है कि जो तकरीबन 2.5 साल से चल रही है, दिसंबर 2015 में जब कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे और उसमें तहरीक इंसाफ कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सकी थी। कराची की 247 यूसीज में सिर्फ 8 PTI के हिस्से में आई थी। इसकी बुनियादी वजह कराची में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान टिकट्स की तकसीम और मुकामी रहनुमाओं के वो इख्तलाफात थे जो आज भी सामने आ रहे हैं। लोकल बॉडीज इलेक्शंस के वक्त भी धड़ेबंदियां थी और इस हद तक बढ़ गई थी कि इमरान खान को बल्दियाती इलेक्शन के बाद खुद कराची आके कारकुनों को यकीन दहानी करानी पड़ी थी, मगर उससे कोई मसले का हल मौजूद नहीं हुआ और PTI की जो इंटरनल जो मसाइल हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। इस पर मजीद बात करते हो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासतौर पर कराची में बहुत देरीना कारकुन भी हैं, रहनुमा भी हैं, जनाब अली जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब। ये दिसंबर 2015 में जो कैफियत थी, आप हमारे प्रोग्राम में आए थे, ये 247 यूसीज में से 8 PTI के हिस्से में आई थी। आज हम 2018 में खड़े हैं, अभी भी ये डिफरेंसेस आप लोगों ने अपने ब्रिज नहीं किए हैं, वही कैफियत है। देखें कामरान साहब, पहले तो माजरत के साथ आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कराची से, वो फैक्ट से इतनी दूर है जितनी दूर कराची से बीजिंग, माजरत के साथ। पहली बात है कि अगर हमारी सिर्फ 8 यूसियां होती पूरे कराची में तो जरा मुझे ये बता दीजिए, कराची में जिले हैं 6, तो जिला वेस्ट का चेयरमैन इस वक्त कौन है? तहरीक इंसाफ के अजीज अफरीदी जो चेयरमैन है पूरे जिले के, उस जिले के अंदर उस वक्त शायद 55 यूनियन काउंसिल थी, ठीक है, वो चेयरमैन कैसे बन गए? साउथ जिसके अंदर लियारी भी आता है और डिफेंस भी आता है, सदर भी आता है, उस जिले का वाइस चेयरमैन कौन है? मंसूर शेख, वो भी तहरीक इंसाफ के हैं। तो हम तो लियारी में भी यूनियन काउंसिल जीते थे, हम कोरंगी में भी जीते थे, हम ईस्ट में भी जीते थे, फिर दो शमीम नकवी साहब खुद यूनियन काउंसिल जीते थे, तो हम 18 के करीब यूनियन काउंसिल जीते थे। हाँ, उसमें कुछ हमारे 247 जीती थी। चले, जी बिल्कुल, मैं 18 जीता, ठीक है। पहली दफा हम बल्दियाती इलेक्शन में पहली दफा गए थे, ठीक है, और हमारी टिकटों के ऊपर कोई इशू बल्दियाती इलेक्शन में नहीं हुआ। हाँ, जो आपने टेप चलाया ये भी परसों का, इसमें जरूर दो ग्रुपों के अंदर
टिकटों के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है इंसाफ हाउस के अंदर, मैं भी मौजूद था, जिसको हम कंडेम करते हैं, और जिन्होंने ये किया उनके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी, उनकी रिपोर्ट बन गई है। जहां तक आपने ग्रुपबाजी की बात की, आज सारा दिन हम साथ बैठे रहे, हम रोज साथ बैठ के पार्लियामानी बोर्ड में डिस्कस करते हैं हर कैंडिडेट को, और हम सिर्फ रेकमेंड करते हैं सेंट्रल लीडरशिप को, सेंट्रल पार्लियामानी बोर्ड को, और वो रेकमेंडेशन होती है वोटिंग पैटर्न्स के ऊपर, हम वोट करते हैं अपनी अपनी राय के मुताबिक हर हर। आप लोग टिकट्स नहीं दे रहे हैं ये तो, और ये फरमाइएगा जैन साहब, आप तो आज तो 4 जून हो गई, अब अगले 72 घंटे रह गए हैं, अभी तक आप टिकट बांट रहे हैं, ये 8 तारीख इसकी लास्ट डेट है, परसों ये खत्म हो जाएगा मामला, तो ये कब तक आप ये काम आपने आज से 15 दिन पहले क्यों नहीं मुकम्मल कर लिया था? जी 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 जी, बहुत सारे हलकों में 2-3 कैंडिडेट भी फाइल करेंगे, वो सही पार्टी टिकट एक को देगी, बिल्कुल कोई बात नहीं, वो बाकी वो तो स्क्रूटनी का टाइम जब होगा और या सिंबल एलोकेशन का टाइम होगा उस वक्त पार्टी का टिकट होता है, उसमें तो अभी 20 दिन बाकी हैं। सो हमने हर एक चीज को, सारे पहलुओं को लेके फिर हमने बड़े आराम से बैठ के ये किया है। 1-2 जगह पे कोई टेंशन हुई है, और ये अगर कोई भी किसी ने भी आपको बताया तो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं मेरे बिहाफ पे, मैं आपको एक पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हुए कह रहा हूं सेंट्रल का, कि कोई ऐसे ग्रुप बंदी नहीं है। हमारे आपस में रोज इख्तलाफात होते हैं किसी हल्के पे किसी कैंडिडेट पे, इसका मतलब ग्रुप बंदी मगर नहीं होता। साहब ये ग्रुप बंदी ना होने के बावजूद इतना बुरा हाल हुआ है, और आप क्या कह रहे हैं कि बलदियाती इलेक्शन में कोई ग्रुप बंदी नहीं थी, क्या अब हम शुड वी गो बैक टू, आप दोबारा जरा एक बार कह दें कि 2015 में कोई ग्रुप बंदी नहीं थी, बड़ी एक मुत्तही जमात की हैसियत से इलेक्शन लड़ा पीटीआई ने। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं, पार्टी कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके अंदर ग्रुप बंदियां ना हो, दुनिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसमें ग्रुप, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होते हैं, लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, लोग समझते हैं कि ये ठीक है, ये रास्ता ठीक है, अमेरिका के अंदर नहीं होते, रिपब्लिकन पार्टी आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं खड़ी, इसको ग्रुप बंदी बोलेंगे क्या? ख्वाजा आसिफ और ये चौधरी निसार ने 5 साल बात नहीं की, एक जहाज में नहीं बैठते थे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सारी सियासी जमातों में ग्रुप होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सब ग्रुप होते हैं, लेकिन क्या ये माविन साबित होगी आपके इलेक्शन जीतने में? आखिरी बात देखिए, मैं इस पूरी चीज को बड़ा पॉजिटिवली ले रहा हूं, और आप जितना मुझे आज से तो नहीं जानते, मेरे ख्याल में 25 साल से तो आप मुझे जानते हैं, मैं इस पूरी चीज को बड़ा पॉजिटिव ले रहा हूं। ये एक 2002 में वो इलेक्शन भी हमने लड़ा था इसी शहर कराची में, इसी तरीके इंसाफ ने, कि जब हमारे पास कैंडिडेट पूरे नहीं हो रहे थे, आज हमारी 21 सीटों पे 300 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, 43 प्रोविंशियल सीटों पे 600 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, सो देयरफॉर ऑफ कोर्स पार्टी बड़ी हुई है, बहुत तेज रैपिड ग्रोथ हुई है पार्टी की, और जो आप कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूं सबके लिए, कामरान भाई, मेरे पास या मेरी जमात के पास वो अनलिमिटेड फंड्स या वो कारकुन नहीं है जिनको तनख्वाह हुकूमत पाकिस्तान मेरे और आपके टैक्स पे देती है। ये खुद डीजी रेंजर जब थे बिलाल अकबर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 43,000 गोस्ट एम्प्लॉय सिर्फ कराची में एमक्यूएम के हैं, वो सारा दिन करते हैं तंजीम साजी, हम सारे प्रोफेशनल या काम करने वाले लोग हम सारे पॉलिटिक्स करते हैं, हमारे पास ये नहीं, क्या गोस्ट एम्प्लॉय हमारे नहीं है सिंध के अंदर स्कूलों के अंदर, हमारी पुलिस कंट्रोल में नहीं है, सो देयरफॉर यस, और एमक्यूएम या दूसरी जमात हमसे थोड़ी सी बेहतर ऑर्गेनाइज होगी, उनके पास वर्कफोर्स बहुत है, जिनकी तनख्वाह मैं और आप हम अपने टैक्स से दे रहे हैं, 8-8, 10-10 हजार लोगों उन्होंने जमा किए हुए, तो अभी क्या क्या फाइनल क्या पोजीशन का स्टेटस बताएं ना, करंट स्टेटस क्या है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर आप हमें बताएं कराची की क्या पोजीशन है इस वक्त? करंट स्टेटस ये है कि एक पहली लॉट थी जिसको अनाउंस करना था, जिसमें खुशकिस्मती से या अल्लाह माँ बाप की दुआ से, दोस्तों की मेहरबानी से, इमरान खान साहब ने मुझ जैसे एक छोटे से कारकुन के ऊपर भी फेथ उन्होंने अपना भरोसा किया, तो जो बड़ी लीडरशिप थी जिसमें इमरान इस्माइल साहब अपना आरिफ अलवी साहब, उसमें एक मेरा नाम भी था कि मुझे भी उन्होंने पहले वाले बैच में अलॉट कर दिया। अब 2 दिन बाद दूसरे बैच की अनाउंसमेंट होगी, इस तरह हम दो तीन बैचेज में अनाउंस कर देंगे, हमें कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह, और जो हमारे कारकुनान आपस में थोड़े नरम गरम हुए हुए उनको हम ठंडा कर देंगे। ये तो पॉलिटिक्स है यार, कब तक आपको आफ्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बताना तो है कि अब ये आपके पीटीआई के इसमें कैंडिडेट कौन होंगे, अब आप बताएं ना जून के हम आ गए हैं और इस तारीख तक आ गए, अभी तक आपकी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ के अलावा ये पता ही नहीं है कि आपका कैंडिडेट कौन है, ये एक अच्छी बात है।
नहीं नहीं, वी आर वेरी क्लियर, हमारे वर्कर्स को भी पता है, हमारे जैसे 256 में नजीब हारून साहब ने भी अप्लाई किया हुआ है, हमारे बड़े सीनियर फाउंडिंग मेंबर हैं, आप जाने जाइए 256 नॉर्थ अहमदाबाद में, पूरी उन्होंने ब्रांडिंग और सारा कुछ शुरू कर दिया। हाँ, अभी जो हमने फैसला करना है, जो इम्पोर्टेंट, वो ये फैसला करना है कि चेयरमैन साहब किस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। वो फैसला नहीं हुआ है, हमने करना है बस, वो फैसला नहीं हुआ है। वो दो तीन वो तीन कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और वो तीन कॉन्स्टिट्यूंसीज के फैक्ट्स और स्टेटिस्टिक्स और सर्वेज हम चेयरमैन साहब के सामने रख देंगे और अपनी अपनी एडवाइस रख देंगे। चेयरमैन साहब ने लड़ना है, वो फैसला करें। बस खुशखबरी है कि अगला प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह कराची से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली दरी, हमारे साथ मौजूद।